नमस्कार दोस्तों, हमारे साथ हैं शंकराचार्य परिषद के अध्यक्ष आनंद स्वरूप महाराज जी। महाराज जी, लगातार जो है हिमालय हमारा देवालय है और इससे जो है तीन मकार मांस मदिरा और मुसलमानों को दूर रखने की बात करते हैं। महाराज जी, क्या है पूरा आपका ये जो मुहिम है? मुहिम ये है कि हिमालय हमारा देवालय है, हमारा मंदिर है, और मंदिर में इन तीन चीज़ों को वर्जित करने का जो कार्यक्रम हमने चलाया है कि तीन मकार हैं, विकार, इनको दूर करो। मांस मदिरा और मुसलमान, ये तीन विकार हैं, इन तीनों को हिमालय से दूर करना है। ये हिमालय में पहुंच करके गोवध कर रहे हैं, मांस भक्षण कर रहे हैं, और हमारी नदियों को, हमारे मंदिरों को, हमारी बेटियों को अपवित्र कर रहे हैं। इसलिए मैंने कहा है कि हिमालय हमारा देवालय है, इसको इन तीन मकार से मुक्त करना है। और ये जब तक मुक्त नहीं होगा, और इसको कानून बना के दूर करना चाहिए। हमारे लिए कम से कम सरकार इतना तो करे, जिस प्रकार से मस्जिदों के इर्द गिर्द कोई हिंदू नहीं जाता, कोई गैर मुस्लिम नहीं जाता, वैसे ही मंदिर में कोई गैर हिंदू कैसे प्रवेश कर सकता है? हिमालय हमारा दिवात्मा है, वहाँ पे हमारी ऋषियों की धरती है, लाखों वर्षों से हम वहाँ तपस्या करते आ रहे हैं, हमारी तपस्थली है। 1980 के पहले कोई मुसलमान नहीं था, 1985 के पहले कोई ईसाई नहीं था। तो ईसाई, मुसलमान या गैर हिंदुओं का प्रवेश पूरी तरह से कानून बना के अगर वर्जित नहीं किया गया तो इसका परिणाम हिंदू समाज को भी भुगतना पड़ेगा, और मेरे आंदोलन से जो नुकसान जिसको होगा वह उसकी कल्पना लोग नहीं कर सकते हैं। महाराज जी, हरिद्वार की बात की जाए तो हरिद्वार धर्म नगरी है और हिंदुओं का बहुत अपना एक पवित्र तीर्थ है। यहाँ पर जिस तरह से मुसलमानों का, मुस्लिम समुदाय का एक जनसंख्या बढ़ती जा रही है और लगातार वो हर की पौड़ी तक भी व्यवसाय कर रहे हैं, जबकि हरिद्वार में हर की पौड़ी पर मुस्लिम प्रवेश वर्जित है, क्या कहेंगे इस पर? ये हिंदुओं की और संतों की कायरता है कि 1915 में एक महामानव इस बात को समझ गया कि तीर्थस्थलों पे गैर हिंदू नहीं आने वाले। लोग यह नहीं ध्यान देते कि हमारे तीर्थस्थल को अपवित्र करने वाली ये जितने भी जिहादी हैं वह हर की पौड़ी तक क्यों आते हैं, क्यों घूमने आते हैं, जबकि उनका प्रवेश, उनका व्यापार, उनका निवास तीनों मना है, और इसके बावजूद भी उनका आना यह दिखा रहा है कि हम कायर हैं, हम अपने जगह को धर्मशाला समझते हैं, जो चाहे सो आ सकता है। मैं प्रशासन से मांग करता हूं कि यहां पे सबको आधार कार्ड देख करके ही प्रवेश करिए, और आप सभी, कम से कम हिंदू जनमानस से आह्वान करता हूं कि थूकने वाले, आपके सब्जियों में, दूध में, सब में थूकने वाले, रोटियों पे थूकने वाले, आटा में थूकने वाले, दूध में मूतने वाले लोगों से दूर रहिए। इनसे कोई सामान न खरीदिए, सामान खरीदिए तो आधार कार्ड जरूर देखिए। महाराज जी, कल वसीम रिजवी जी ने हिंदुत्व को अपनाया है और एक नए नाम से उनका नामांकन हुआ है, क्या कहेंगे? वसीम रिजवी साहब अब जितेंद्र नारायण सिंह त्यागी बन गए हैं, स्वागत है। हिंदू नहीं बन गए हैं, हिंदू तो थे ही, वो गलत जगह चले गए हैं, उनकी घर वापसी हुई है, और ऐसे ही घर वापसी भारत के समस्त मुसलमानों को कर लेनी चाहिए, नहीं तो ये फर्जी किताब पढ़ करके आप हमेशा कत्लोगारत में ही लगे रहेंगे, आप हमेशा हिंसा ही सोचते रहेंगे, हमेशा इस्लाम का जो ये राजनीतिक आंदोलन है उसी में सम्मिलित रहेंगे। इसलिए सब लोग अपना घर वापसी करिए। भारत का कोई भी मुसलमान वास्तव में मुसलमान नहीं है, कोई अरब से नहीं आया है, सब यहीं के हिंदू हैं जो तलवार के दम पे सलवार बदल लिए, धर्म बदल लिए। अब समय है, अब ये गौरव का दिन है, ऐसे महापुरुष के नेतृत्व में आप लोग रह रहे हैं कि आप घर वापसी करेंगे, तो जिस प्रकार से अभिनंदन हमने जितेंद्र नारायण सिंह जी का किया है वैसे ही अभिनंदन हम सबका करेंगे। ये थे हमारे साथ महाराज जी, जिन्होंने हमको टाइम दिया। महाराज जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद।